देखें इसमें चाहे शुैब मलिक हैं चाहे बाबर आजम हैं चाहे शान मसूद हैं इन लोगों का कसूर नहीं है ये जो लोग सेलेक्ट करते हैं ले कर आते हैं ना उनका कसूर होता है अब यहाँ पे जो शुैब मलिक को मैनटोर बनाया गया है आपने देखें सरफराज अहमद को मैनटोर बनाया गया है तो ये क्या मतलब ये क्या पॉलिसी आपको समझ में आ रही है यानी ऐसे खिलाड़ी जो कि अभी शुैब मलिक ने कहा अभी कि मैं ख़ुद से खेलना चाहता हूँ टी एक तरफ मोहम्मद जो जो सरफराज अहमद हैं वो पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल और दूसरी जानी वो मेंटोर हैं तो जो खिलाड़ी ख़ुद से खेलना चाहते हैं आप उन्हें मेंटोर बना रहे हैं और वैसे भी इस तरह से वो जो एक लेवल होता है ना वो रहता नहीं है जो आपका एक एक मेंटोर का लेवल है या जो आपके प्लेयर्स का लेवल है तो मोहसिन नकवी ने बेसिकली ये जो चैम्पियंस कप करवा रहे हैं ना ये बिल्कुल यूजलेस है गलत वक्त पे सही फैसला है ये उनका क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज चल रही है आपका टेस्ट सीजन है वनडे कप पचास ओवर का इसके बीच में क्या करेगा या तो आप पचास ओवर का करवाते ताकि कोई तो टेस्ट में बाद होगा ना सितंबर में हो रहा है ये तो टूर्नामेंट जी बिल्कुल सितंबर में हो रहा है ना तो उसके बाद इंग्लैंड से सीरीज है हमारी तो टेस्ट सीजन चल रहा है ना आपका इस दौरान आप रेड बॉल करवाते जो अच्छा खेलते उनको आगे चांस मिलता अब मोहसे नकवी का मसला ये है मुझे समझ नहीं आता कि उनके कौन मीडिया एडवाइजर हैं उनके कौन नहीं अब तो खैर वो स्टेप डाउन हो गए हैं उन्होंने छोड़ दिया या वो कह रहे हैं कि नहीं समझ में आया उन्हें लेकिन उनको कौन उनके मीडिया हैंडलर्स हैं कौन उनको मशवरे वो देता है एक तरफ वो कहते हैं कि मैं क्रिकेट अफेयर से मेरा ताल्लुक नहीं है दूसरी टीम के लिए पोस्ट लगानी है उन्होंने मोहम्मद रिजवान की एक इनिंग जो बांग्लादेश को मुबारकबाद दे रहे जी पता ही नहीं था कि रिजवान क्या करेंगे बांग्लादेश को मुबारकबाद दे रहे हैं बस मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि मोहसिन नकवी को सोचना चाहिए वो चेयरमैन है मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट्स में और मीरा के स्टेटमेंट्स में फर्क होना चाहिए जनाब